और डरो कौन सी दिक्कत लाने करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को अच्छे से पूरी देखना। रात भी सुबह भी दादी दाल 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 हर से यहाँ देखो खूंखार है बल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतुड़ी ब्लॉग्स। और ब्याह में भी खाए और सूर्य दो में घी और बुटी भाटी के सूर्य में खाए वो चाह अब जब 3 दिन चले जी 3 दिन चले ये कटोरी को तो गया तो आ तो खाओ का खाना वाला खाना चाहिए बस ठेकेदार है आज को भी साथ मिलता है मिल तो फट फट और कोई आज को खयाम तो अरे तेरा आज में खयाम कोई आज के ज्यादा खाओ तो ज्यादा खाओ तो हां फड़क बात का भाई और सा कुछ समझना बा तेरा आज में खाओ बोल लगे जो डेट रात कृष्ण भाई खाऊसरा भी नहीं खाऊ रात कृष्ण भाई खाऊ तो तो अभी आपने देखा वहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है सभी गांव वालों के लिए। तो हमारे दादाजी थे एक जिनका नाम था श्री भजराम शास्त्री जी, तो वो काफ़ी बड़े कथावाचक भी रहे हैं। तो उनका निधन हुआ था तो आज उनकी 13वीं है, तो उनका पूरा परिवार अभी घर आ रहा है। और इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ जब हमारे यहाँ दादाजी की डेथ हुई थी तो 13वीं के दिन पितरों के लिंग रखते हैं, उसे कहते हैं पितृकुड़ु हमारे यहाँ। तो इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में जब हमारे यहाँ दादाजी की डेथ हुई थी तो 13वीं के दिन यहाँ पितृकुड़ु रखा जाता है और साथ में ही जो 13वीं का खाना होता है वो बनाया जा रहा है वहाँ पे। काफ़ी समय से हम धारे की तरफ नहीं आए थे, मतलब गदेरे की तरफ नहीं आए थे, तो आज काफ़ी दिन के बाद गदेरे की तरफ आए हैं थोड़ा सा ऐसी देखने कि आखिर गदेरे की तरफ आजकल कैसा नज़ारा है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है इस समय गदेरे की तरफ। बरसात के मौसम में काफ़ी झाड़ी वगैरह रहती हैं तो आजकल काफ़ी साफ़ रहती हैं। और ये यहाँ पे है चवा, तो इसकी भी यहाँ पे बहुत सारी झाड़ी हुआ करती थी बरसात के मौसम में और आजकल काफ़ी कम है। और यहाँ पे कुछ पुदीना वगैरह लगाया था, खैर अब हम काफ़ी टाइम से आए नहीं हैं यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। कुछ पुदीना और फूल वगैरह लगाए थे तो लग रहा है कि अभी दोबारा यहाँ पे फूल वगैरह लगाने पड़ेंगे। जो पितृकुड़ा रखा जाता है वो हमेशा 13वीं के दिन ही रखा जाता है, तो उसका समय जिस समय भी निकलता है उसी समय रखना पड़ता है वो। जैसे हमारे यहाँ जब दादाजी की डेथ हुई थी अभी कुछ महीने पहले, वहाँ हम वैसे रात को गए थे तो वहाँ मैं इतना कुछ समझा नहीं पाया था क्योंकि काफ़ी बारिश भी हो रही थी और रात को 1-2 बजे फिर वहाँ पे काफ़ी काम भी करना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से ही मुहूर्त निकलता है। लेकिन जो अभी यहाँ दादाजी की डेथ हुई थी तो आज 13वीं के दिन, तो उनका मुहूर्त लगभग शाम के टाइम पे निकला है 4-5 बजे के टाइम पे। और जो हमारे यहाँ दादाजी की डेथ हुई थी तो उनका आया था रात को 1 बजे से पहले, मतलब 1 बजे के टाइम पे। थोड़ी देर में गांव वालों को आवाज़ लगाएंगे और मैं मिलता हूँ आपको बाद में खाना खाने के बाद। शाम का समय हो चुका है और अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है नीचे 3:30 बजे के करीब। और अभी शाम का समय है और वो लोग चले गए हैं उस साइड जहाँ पितृकुड़ा जो रखते हैं उस साइड वो लोग चले गए हैं। तो
और मुझे जाना था वहाँ, लेकिन यार मुझे अभी ऊपर मंदिर में भी जाना है दिया बत्ती करने, तो फिर वहाँ जाऊँगा तो वहाँ फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऊपर से आने के बाद ऊपर से जल्दी दिया बत्ती कर लेता हूँ, तब तक वहाँ का अगर कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा तो फिर वहाँ भी चलेंगे। तो अभी पहले ऊपर दाणिया से होके आ जाते हैं। आपको कह रहा था ना कि कंडाली जो है इसकी सब्जी बनाई जाती है, ये बिच्छू घास है, तो ये काफ़ी कोमल है यहाँ पे, ये वाली जो पत्तियाँ हैं तो काफ़ी कोमल है। तो कुछ ऐसे ही पत्तियाँ निकाल के लाते हैं कापले के लिए कंडाली की, यानी कि बिच्छू घास की। और सामने की तरफ गाने सुनाई दे रहे होंगे, तो सामने के बार्स में है शादी वगैरह, तो आजकल काफ़ी शादियाँ होंगी, तो चार पाँच दिन से लगातार डीजे चल ही रहा है। असली एंजॉय तो ये लोग कर रहे हैं जो चार पाँच दिन से नाच ही रहे हैं, और चार पाँच दिन हो गए हैं अभी डीजे बंद ही नहीं हुआ वहाँ, बिल्कुल सुबह से चल जाता है शाम तक। तो आजकल शादियाँ भी काफ़ी हैं आसपास के गांवों में। मेरी दादी जो छिम्बी छिम्बी है हमारी, इतनी सारी छिम्बी, अब तो कल आज भी छिम्बी छिम्बी खानी है। ये है मेरी दादी रमन भैया, तो आप बताते रहेंगे बताते रहते। भैया है भैया, ये देखो प्रणाम प्रणाम करने लग गया। ये डॉक्टर जी यहाँ देखो 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 यहाँ देखो खूंखार है बल, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ मैं आ गई हूँ। फिर आपको मैं माल्टा दिखाती हूँ अभी, ये देखे माल्टा, ये है माल्टा देखिए, वाओ। इस पेड़ पे तो एक ही बहुत सारी है पर दिख रही नहीं होगी अभी आपको। और ये देखो हाँ यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने झूला लगाया था सुबह, और मम्मी दादी ने निकाल दिया। और आपको मैं अभी केले के पेड़ दिखाती हूँ, वहाँ पे केला हो रहा है, वहाँ पे सफ़ेद फूल है। और ये देखो ये पूरा वैसे गांव का थोड़ा ही वो दिखता है, यहाँ देखो तभी ऊपर हमारा वो जब कहीं जाते हैं वहाँ रहते हैं। रात भी सुबह भी दादी दाल 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 हर समय दाल, भैया चाबी घुमा रहे हैं वैसे। और ये देखो फूल सुंदर सा फूल है, ये देखो ये आधा है गम में, चाय में भी हर समय यही खाना पड़ता है, कपर कुत्ता बेकार है। ये दाल है यहाँ देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस है, ये मम्मी व्लॉगिंग करने लगी। ये पता नहीं कौन सी दाल है, मिक्स दाल है ये देखो। तो बहुत मिक्स है, ये एक ही दाल है, मैं आपके बताती हूँ कि मिक्स दाल ये है, ये एक एक दाल है, ये गोरी दाल है, गोरी ये भी एक ही दाल है, नाम तो दादी को ही पता है। ये देखो तिल मिल गया, तिल 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 अब ऐसे खा लेंगे। ये मिक्स दाल लग रही है मेरे को, तो ये मिक्स दाल लग रही है, एक ही मिक्स है। और ये भी पता नहीं कैसी है, ये तो मिक्स ही है, एक ही है, ये मिक्स करी है, ये भी एक ही है, ये भी तो मिक्स ही है, और ये भी मिक्सी 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 है। मैं आपको दिखा लो, और ये फूल है फ्लावर मेरा अंदर। आज मैं गांव में तो अभी घर आ रही हूँ, दादी तो आराम से अभी चाय बन रही है, और दादी तो ऐसी बैठी है, भैया चप्पा पहन के। सिटी पता नहीं, अरे सिटी कहाँ गया, सिटी पता नहीं कहाँ चले गया, पर चले गया होगा देखते हैं। पर
ये देखो ये आ गया, ये आ गया, देख लो आप। अरे रुको ना, ये देखो ये भैया ले गए। पिछली ब्लॉगिंग में तो मैंने इसको मोटा कहा कि ये ज़्यादा ही छक रहा था। ये देखो ये पता निकाल जा रहे हैं। और ये देखो पहले मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। ये हमारा घर है, ये पूरा गांव है हमारा। और वहाँ जो आप दिख रहे हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा, वहाँ एक शादी भी है। अभी उन्होंने गाने बंद कर दिए। ये हमारा गांव है। इधर छिपकली रहती है, इधर बहुत ज़्यादा छिपकली रहती है। अब मैं आपको अभी उधर पे जाके दिखाती हूँ आपको। देखो ये हमारी, अभी मैंने चप्पल ला दी, ऊपर भी है। ये हमारी तुलसी माता जो नीचे से सूख गई है, ऊपर है। ये फूल है, अगर जो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो फूल। ये पता नहीं कौन सी दाल है, लग रही तो काली दाल है। ये तो बहुत सारी है, देखने में भी थोड़ा अच्छी लगती है, पर काली दाल बड़ी होती है। मशरूम, और ये है हमारी भिंडी। वाह सुके, क्या कैसी होगी इसके। देखो ये, देखो ये बा, देखो ये इससे निकले दाने। मैं आपको अभी वह फूल दिखाती हूँ, गुलाब। यहाँ तो बहुत, यहाँ देखो ये गुलाब है। मैं थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, दादी ना मारे मेरे को दादी के। ये हमारे फूल, जो ये गुलाब है ना, ये गुलाब ना धो के हम ना चटनी भी बनती है गुलाबों की है, इतना प्यारा है ये। यहाँ मम्मी कह रही है छोरी यहाँ मत दिखा दे, बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को अच्छे से पूरी देखना। पाउडरो घसड़ी के लाने, पाउडरो ओकेरियम, पाउडरो घसड़ी के लाने, ओकेरियम पाउडर घसड़ी के लाने, मेरी निर्मला समझ के लाने, मेरी निर्मला समझ के लाने। हाय मैं निस गई, हाय मैं निस गई तू।